पहले भी कह गए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा, वो बार बार तो कहेगा, वो कहेगा कि तब मेरे मैं थारा है, इस्लाम की वोट मांगेगा, तो भाई मैं के लाया जोड़ा हूँ, बात है तो मैं तैयार हूँ, मुख्यमंत्री जी अपना पर्चा पढ़ दे, मैं अपना पर्चा पढ़ दूंगा। कुछ मंत्री आते हैं यहाँ, एक बात कहते हैं कि भाई इनका अध्यक्ष भी कि हमारी तो सरकार है, एक सीट से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये तो भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल है, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, एक हलके का सवाल नहीं है, ये पूरी सरकार के खिलाफ रेफरेंडम है, और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, ये जो बड़ौदा का चुनाव है ये राजनीति हरियाणा की राजनीति का दिशा तय करेगा, और जितने नतीजा आएगा इसका और हमारी जीत होगी, उसके बाद चंडीगढ़ में बैठे इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेगा बड़ौदे का नतीजा, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और ये इस इलाके की सब इतिहास रहा है। उस सरकार के जिसमें केंद्र में भी सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी, अकेली महम ने उस सरकार को चत्ता कर दिया था, यह आनंद सिंह नांगी बैठे, ऐसे ही वो भी सत्ता में थे, गरुड़ थे, और एक हल्के के लोगों ने सरकार को चत्ता कर दिया था। तो बड़ौदा का भी नतीजा यही काम करने जा रहा है, और इसी वास्ते मैं कह रहा हूँ, मैं दरख्वास्त तौर पर आया हूँ, क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि मैं बात है तो मैं तैयार हूँ, मुख्यमंत्री जी अपना पर्चा पढ़ दे, मैं अपना पर्चा पढ़ दूंगा, फैसला करने दो बड़ौदे के लोगों, यानी दूसरी पार्टियों से हार किया था, जो यहाँ का प्रत्याशी होगा भाजपा या दूसरी पार्टी से, कोई इंग्लैंड से आ जाएगा, अमेरिका से आएगा, कहाँ से आएगा, बता चुका भाई। वो तो ये भी कह गए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा, वो बार बार तो कहेगा, वो कहेगा कि तब मेरे मैं थारा है, इस्लाम की वोट मांगेगा, तो भाई मैं के लाया जोड़ा हूँ, उससे पूछा जाए तो लाया जोड़ा थोड़ा हूँ, मैं तो यूं ही इनका, और ये मेरे तो नहीं बात है। एक क्षेत्र में चर्चा है कि कपूर सिंह नरवाल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? चर्चाएं होती हैं, राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, कोई आए कोई जाए, हमारे क्या चर्चा होती, चर्चा तो और भी बहुत चल रही है। चर्चा ये है सर, आपसे उनकी मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात तो सबसे होती है, तो खट्टर की भी हुई मुलाकात, मेरी मुलाकात।